फॉर यू जस्ट बॉर्न किड्स चॉइस। एआरके गिरी सिल्क एंड सारी। यूथ मैनिफेस्टो को पूरा करने का आश्वासन दिया आम आदमी पार्टी। जिंदगी आपने दिया है ये वाकई बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव करके हमको दिया है और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आज इसको नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। सोलिडेरिटी यूथ मूवमेंट बसव कल्याण की ओर से 9 अप्रैल को प्रेस मीट कर यूथ मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें यूथ के लिए रोजगार, स्पोर्ट में यूथ को सपोर्ट, आर्ट्स कल्चर में यूथ की मदद, यूथ के लिए हेल्थ सेंटर और जिम, एग्रीकल्चरल फील्ड में यूथ को रोजगार देना, हायर एजुकेशन में यूथ को फाइनेंशियल मदद, ऐसे कई मैनिफेस्टो को लेकर सोलिडेरिटी यूथ ने पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में यूथ की मैनिफेस्टो को ऐड करने की मांग की। यूथ के मैनिफेस्टो को एक्सेप्टेशन करते हुए आम आदमी पार्टी बसव कल्याण के उम्मीदवार दीपक मालकर सोलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के टीम से मुलाकात की और जो भी यूथ के डिमांड से उनको पूरा करने का आश्वासन देते हुए ताकि आपके इन डिमांड्स को हाई कमांड को भेजकर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐड करने और कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उनको पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सोलिडेरिटी यूथ मूवमेंट बसव कल्याण के जनरल सेकेटरी रियाज पटेल, वाइस प्रेसिडेंट सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर एलाइट इंडस्ट्री एएसी ब्लॉक्स Construct your dream home with quality products. Haji Builders and Developers beautiful home for sale with all facilities. Vice President Kutbuddin, Zulfikar Ahmed, Javed Khan और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ मैनिफेस्टो जो रियाज बैठे जो पढ़ के सुनाया वो काफी रियली में वंडर था, क्योंकि जो जो इश्यूज थे रियल इश्यूज वो पूरे यहां पे पूरे रिसर्च करके ये पूरा बनाया और ऑलमोस्ट सब इसमें अब जितने बोले 50% तो हमारा मैनिफेस्टो हमने कवर कर चुके हैं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमने एक हर एक एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हमको जरूरी हम कदम उठाने वाले, जैसे दिल्ली में हम किए उनका लोन खुद का बिजनेस होना और खुद एक 10 लोगों को जॉब देना, तो इसके ऊपर भी हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस पर हमारा ये है। और नेक्स्ट आपने कहना स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हमारा अगर 100-130 करोड़ 140 करोड़ आबादी में हम सिर्फ ओलंपिक्स में 2-3 पदक आते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो हम द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसिस ग्वालियर कलेक्शन कट पीस सेंटर बहुत ही शर्मनाक है, तो हम स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा देना चाहिए और हम ये जितने भी आपने दिया है ये वाकई बहुत ही जबरदस्त और रिजर्वेशन करके हमको दिया है और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आज इसको मनस्टेट कमेटी को भेजता हूँ और पूरा कोशिश हम करेंगे और हर एक रैली में या फिर न्यूज़ चैनल में डिस्कशन डिबेट में ये इशू रेज करेंगे।